नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थोड़ा थोड़ा अपडेट्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज HP TET नॉन मेडिकल का एग्जाम हुआ है 26 अगस्त 2020 को। तो इस वीडियो में मैं आपको इस जो एग्जाम हुआ है इसकी आंसर की बताने जा रहा हूँ। तो प्रीवियस जो वीडियोस थी वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी हैं सेक्शन वाइज। तो GK सेक्शन और जो केमिस्ट्री सेक्शन है वो मैंने अपलोड कर दिया है, और साथ में साइकोलॉजी सेक्शन भी जो है मैंने अपलोड कर दिया है। तो आपका जो है इन सेक्शंस के जो है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वहां से आप जो है इन सेक्शन को भी देख सकते हो और अपनी जो है क्वेश्चंस को मैच कर सकते हो कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है आपके ठीक हुए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो जो भी मैं इसमें आंसर बताऊंगा वो 100% एक्यूरेट आंसर की होगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई आंसर गलत बता रहा हूं मैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं सही आंसर, ताकि औरों को भी सही नॉलेज मिल सके। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे आने वाली जो वीडियोस होंगी तो उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, जो मेरे पास सीरीज है ये सीरीज बी है, आप देख सकते हैं आपके पास जो भी सीरीज होगी तो उसके अकॉर्डिंगली आप सेक्शन नंबर और क्वेश्चन नंबर के हिसाब से देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम मैथ सेक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो मेरे वाला जो सीरीज थी तो इसमें सेक्शन थर्ड है मैथमेटिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 91 से जो है मैथमेटिक्स का सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। तो अपने आप सीरीज में देख सकते हैं कि आपकी सीरीज में किस क्वेश्चन नंबर से जो है स्टार्ट हो रहा है। तो क्वेश्चन जो है आगे पीछे दिए होते हैं और सेम ही क्वेश्चन जो है हर पेपर में होते हैं। तो 91 क्वेश्चन, टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर, देन लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड विल बी। तो इसका राइट आंसर है सी, सॉरी 6 सेंटीमीटर, ए राइट आंसर है इसका, 91 का ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, द स्क्वायर रूट ऑफ 2.56 विल बी। तो इसका राइट आंसर है 1.6, ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, ए फुटबॉल टीम वॉन 10 मैचेस, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड, इफ देयर विन परसेंटेज इज 40, देन हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल। तो इसका राइट आंसर है 25, ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 क्वेश्चन, अ मैन गॉट अ 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी, इफ हिज न्यू सैलरी इज रुपीज 1,54,000, देन हिज ओरिजिनल सैलरी वाज। तो इसका राइट आंसर 94 का ए राइट आंसर है, रुपीज 1,40,000। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 क्वेश्चन, द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई रेस्ट ओवर एक्स प्लस वाई इज। तो इसका राइट आंसर है ई रेस्ट ओवर एक्स प्लस वाई रेस्ट ओवर माइनस वाई इक्वल्स टू सी, ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 क्वेश्चन, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू टू एक्स रेस्ट टू पावर टू। तो इसका राइट आंसर है एक्स पोन, सॉरी 1 पोन एक्स, इसका राइट आंसर है 1 पोन एक्स, 96 का सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, अ डाई इज टोस्ड थ्राइस, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ऑड नंबर एट लीस्ट 1 विल बी। तो इसका राइट आंसर है 7/8, सी राइट ऑप्शन है 97 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स विद वर्टिसेस प्लस माइनस 5 0 एंड फोसाई प्लस माइनस 4 0। तो इसमें जो है इन्होंने एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है, तो आपको पुट करके वैल्यू पुट करके जो है आंसर निकालना था। तो इसका इन्होंने बता रखा है यहाँ पे ए राइट आंसर है, एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। तो जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ में मैंने जो लिंक दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में जो सीरीज है, तो हमारा जो दूसरा चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस वो भी चैनल जो है इसी चैनल का सेकंड पार्ट है, उसमें हम जो है और अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ऐसे ही, और वीडियो को देखते रहें, और हम जो है आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट कंटेंट, अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे उस चैनल के ऊपर भी। तो 99 क्वेश्चन,
अ लेटर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड, तो इन्होंने वर्ड दिया है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ लेटर वोवल विल बी, तो इसका राइट आंसर है 6/13, ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, ये 12th का क्वेश्चन है, 12th क्लास का। 1³ + 2³ + 3³, तो इसका राइट आंसर जो होगा सी राइट आंसर होगा, एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू होल द पावर टू, इसका सी राइट आंसर है 100 का। 101, अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट, थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, तो इसका राइट आंसर है 12π, सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 102, इसको आपको सोल्व करना होगा, उसके बाद तो इसका आंसर राइट आंसर आएगा 8/225, बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 103, तो उसमें आपको जो है सिंपलेस्ट फॉर्म जो है निकालनी थी, तो आप ये जो मैंने पेपर कहीं से प्रोवाइड किया है तो ये सोल्व किया हुआ है, तो आप इसको ना देखें, मैं आपको आंसर जो बताऊंगा पढ़कर वही आप देखिए, विजिबिलिटी आपके लिए ठीक नहीं है ये, तो 103 का जो राइट आंसर बता देता हूं आपको, 4:2:3, ए राइट आंसर है। 104, व्हेन एक्स प्लस 1/x = 3, देन द वैल्यू ऑफ x³ + 1/x³ विल बी, ये काफी सारे एग्जाम में जो है रिपीटेड क्वेश्चन है। 18, राइट आंसर है सी। 105, सिंप्लीफाई करना है आपको इस वैल्यू को, तो ये इजी है, अगर आपको मैथमेटिक्स के सोल्व क्वेश्चन चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो कमेंट्स के ऊपर बेस्ड होगा कि कितने कमेंट आते हैं, कि सिंप्लीफाइड जो है आपको क्वेश्चन चाहिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो है विद सॉल्यूशन के साथ जो है अपलोड कर दूंगा। तो इसका राइट आंसर जो है 105 का 19/43। 106, इफ रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 5%, देन द परसेंटेज इंक्रीज्ड इन इट्स एरिया इज, तो 105 का राइट आंसर है 10.25%, सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 107, अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 4 years एट अ सिंपल इंटरेस्ट, इन हाउ मेनी ईयर विल इट अमाउंट टू 8 times इटसेल्फ, तो इसका राइट आंसर है डी राइट आंसर है 28 years। 108, हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन अ डेकागन, तो इसका राइट आंसर है 35, डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 109, तो ये 109 जो क्वेश्चन है, तो ये आपको सोल्व करना था, तो ये किसकी इक्वल आता है, तो जो मैंने सोल्व किया था तो इसके जो है दो आंसर आ रहे हैं, तो इसमें 16:4 जो है इसका आंसर है, और आप भी बताएं इस क्वेश्चन का, क्योंकि मुझे डाउट है कि इसका क्या आंसर होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में आप बताएं, क्योंकि और कोई पता लग सके राइट आंसर। 110, इफ अ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, देन रेशियो ऑफ एरिया ऑफ अ ट्राइंगल टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज, तो 110 का राइट आंसर है 1/2, बी राइट आंसर है। ये आपको सॉल्व करना था, इफ साइन a = 4.5 देन टेन ए, तो आपको पता ही है कि साइन ए की वैल्यू जो हम ऐसे निकाल लेते हैं, जो हमारे पास फॉर्मूला होता है PVP HHB, जैसा कि आपको पता है SCT, तो इस फॉर्मूले से जो है हम इसको निकालेंगे जो वैल्यू होगी, तो इसका राइट आंसर जो होगा a 4.3। नेक्स्ट क्वेश्चन 112, तो ये आपको सॉल्व करना है, इसका आंसर बता देता हूँ 112 का, तो 2 इसका राइट आंसर होगा डी। 113, ए पोल 24 सेंटीमीटर हाई कास्ट शेडो ऑफ 20 सेंटीमीटर, द हाइट ऑफ ट्री इफ इट कास्ट शेडो ऑफ 15 मीटर अंडर सिमिलर कंडीशन विल बी, तो इसका राइट आंसर है 18 मीटर, बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 114, tan इनवर्स x/y - tan इनवर्स x - y/x + y इज इक्वल टू, तो इसका राइट आंसर है π/4, सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 115, तो द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्सेस ऑफ ऑर्डर 3×3 विद ईच एंट्री 0 और 1 इज, तो इसका राइट आंसर है 512, 512 डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 116, कोस इनवर्स कोस 7x/6 इज इक्वल टू, तो इसका राइट आंसर है 5π/6, बी राइट आंसर है। 117, तो ये इंटीग्रेशन
का क्वेश्चन जो है इन्होंने डाल रखा है, तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, लॉग 10x 10 रेस्ट टू पावर x प्लस x रेस्ट टू पावर 10 प्लस c, तो डी राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 118, फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x³ + kx + 3 = 0 व्हिच हैव टू इक्वल रूट्स देन द वैल्यू ऑफ k विल बी, तो इसका राइट आंसर होगा +-2√6, सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 119, हाउ मेनी लीटर ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड, तो 119 का राइट आंसर है 0.303 लीटर्स, ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन मैथमेटिक्स का, इफ अ ट्राइंगल एंड पैरेलोग्राम आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैलर देन एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, तो इसका राइट आंसर ए होगा, हाफ द एरिया ऑफ पैरेलोग्राम। तो दोस्तों ये जो थे ये मैथ सेक्शन था, तो अगर आपको प्रीवियस जो मैंने वीडियोस अपलोड करी हैं सेक्शन, तो आपको लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जीके साइकोलॉजी केमिस्ट्री और फिजिक्स का अभी मैंने अपलोड करनी है जो वीडियो होगी, नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखें ताकि आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के जोर से शेयर करें ताकि उनको भी आंसर की के बारे में पता लग सके, और आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपकी मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स बन रहे हैं, और चैनल को आप जोर से सब्सक्राइब कर लें। तो अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।